नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली है 553 असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APO की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत क्या होगी योग्यता, कितने हैं पद, क्या होगी आवेदन करने की अंतिम तिथि, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उन्हें गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा www.sarkariresultwala.com और उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का यह होम पेज प्रदर्शित होगा, जहां हम आपको देते हैं सभी प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी लॉ से संबंधित वेरियस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, साथ ही विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल और विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, BPSC अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाली है 553 APO की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की यह वैकेंसी निकाली जा रही है और जिसके लिए टोटल पदों की बात करें तो 553 पदों के लिए ये वैकेंसी है। अप्लाई का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए प्री एग्ज़ाम, मेन रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू आयोजित करवाए जाएंगे। इन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आवेदक का विधि स्नातक पास होना अनिवार्य होगा, अर्थात उसे LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। बात करें आयु सीमा की तो आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु जनरल अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, मैक्सिमम एज जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल, OBC मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर और मैक्सिमम एज SC ST कैंडिडेट के लिए 42 साल रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो अदर कैंडिडेट के लिए अर्थात जनरल कैंडिडेट के लिए ₹600 और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए ₹150 आवेदन शुल्क रखा गया है। बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन और इसका पेमेंट जमा कराने की जो डेट है वह 7 फरवरी 2020 से प्रारंभ हो जाएगी। लास्ट डेट की बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 21 फरवरी 2020 लास्ट डेट रखी गई है आवेदन करने की, और आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2020 रखी गई है। अप्लाई लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वह 6 मार्च 2020 रखी गई है। इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 21 फरवरी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 मार्च रखी गई है। किस प्रकार आवेदन करना है वे समस्त बातें हमने आपको यहाँ बताई है, साथ ही इसके लिए आवेदन करने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, जो कि 7 फरवरी 2020 से एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यहाँ से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने यहाँ आपको उपलब्ध करवाया है, जिसके माध्यम से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की अन्य गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए आप हमारी वेबसाइट के यहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग बेली रोड पटना के माध्यम से ये निकाला गया है। विज्ञापन क्रमांक 1/2020 के माध्यम से ये विज्ञापन निकाला गया है, जिसके अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी की यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि टोटल 553 पदों के लिए ये वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व कैंडिडेट की ये जो टोटल वैकेंसी है 225 कैंडिडेट हैं पद रखे गए हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 पद हैं, SC वर्ग के लिए 88 पद हैं और ST के लिए 1 पद है, OBC के लिए 88 पद हैं और पिछड़े वर्ग के 74 पद हैं, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22 पद अलग से निकाले गए हैं। टोटल पद हैं 2553 पद। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए भी स्पेशल तौर पे पदों का वर्गीकरण किया गया है। बात करें आयु सीमा की तो आवेदक का 1/8/2019 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष उसने प्राप्त कर ली हो, और मैक्सिमम आयु पुरुष कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट हैं 37 वर्ष निर्धारित की गई है।
पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला वर्ग के लिए 42 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। बताया गया है साथ ही चयन प्रक्रिया के लिए कि चयन प्रक्रिया में प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू होंगे। प्री एग्जाम के अंतर्गत टोटल 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जीके से होगा, सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न पत्र जो कि 100 पूर्णांक का होगा। सेकंड प्रश्न पत्र विधि से होगा, जिसके अंतर्गत 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जिस 2 घंटे के लिए आपको समय दिया जाएगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अर्थात यदि आप गलत आंसर देते हैं या 1 से अधिक प्रश्नों का आंसर ऑप्शंस का चयन करते हैं तो आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे और प्री परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद बात करें प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो प्री एग्ज़ाम का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकता है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसके अंतर्गत IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अभ्यर्थी प्री एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे उनका मेन एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम में टोटल 7 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, सेकंड प्रश्न पत्र हिंदी भाषा 100 मार्क्स का, तृतीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, चौथा पेपर IPC का होगा 150 मार्क्स का, पाँचवा पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा, छठा प्रश्न पत्र CRPC का 150 मार्क्स का और सातवां प्रश्न पत्र अन्य विधियों का जो कि 150 मार्क्स का होगा। अन्य विधियों के अंतर्गत आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, SC ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम से पूछा जाएगा सातवां प्रश्न पत्र। इसमें से 150 मार्क्स के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। इनका स्तर जो होगा वह पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए जो स्तर निर्धारित किया गया है उसी स्तर के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। साक्षात्कार 100 मार्क्स का होगा। टोटल उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता रखी गई है। सामान्य कैंडिडेट को 40% लाना अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC ST और महिला और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जनरल से बिलोंग करेंगे और उन्हें जनरल से ही फॉर्म फिल करना होगा, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय ये समस्त दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य होगा, जिसके अंतर्गत मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विधि स्नातक की अंक तालिका, विधि स्नातक का डिग्री और पिछड़े वर्ग का या SC ST वर्ग के होने का जाति प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो इससे संबंधित और पहचान पत्र जो कि फोटोयुक्त हो। लिखित परीक्षा में जो कि कैंडिडेट पास होंगे उन्हीं में को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो बिहार राज्य के SC ST कैंडिडेट ₹150 तथा अन्य सामान्य अभ्यर्थी तथा अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट, चाहे वे रिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो उन्हें सामान्य वर्ग में ही सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें उनसे ₹600 आवेदन शुल्क रख लिया जाएगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित और अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ₹150 आवेदन शुल्क रखा गया है। दिव्यांगजनों से भी, जो कि 40% से अधिक दिव्यांग हैं, उनसे भी ₹150 शुल्क लिया जाएगा और अन्य सभी उम्मीदवारों से ₹600 आवेदन शुल्क रखा लिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन की डेट 7 फरवरी 2020 रखी गई है। 7 फरवरी से 21/2/2020 तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की जो तिथि है वह 26 फरवरी से लेकर आप 6 मार्च तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करवा पाएंगे। किस प्रकार आवेदन करना है वे समस्त बातें आपको यहाँ बताई गई हैं। इसके लिए आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना होगा और एक पासवर्ड भी होगा, उसी से आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले एक बार संपूर्ण नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें और यदि आप निर्धारित योग्यता और क्वालिफिकेशन रखते हैं तभी आप इस पद के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों, आवेदन करने का लिंक हम आपको हमारी वेबसाइट www.sarkarireswala.com पर आपको उपलब्ध करवा देंगे, जो कि 7 फरवरी 2020 से एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यदि आपने, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की लॉ से जुड़ी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाते देते हैं। साथ ही हम हमारी इस वेबसाइट www.sarkarireswala.com पर भी आपको सभी प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी लॉ से जुड़ी वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आप हमारी इस वेबसाइट को भी यहाँ घंटे का लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट हम हमारी वेबसाइट पर करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।